कॉल करिए और ये आपका नंबर पिक करेंगे। आपको कोई भी ट्रैवल या किसी भी चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वाले गेट पे आने के बाद देखने के बाद बेहतरीन वाला जिसे बोलते हैं वो चीज लगी। ये बार बोल लो या कुछ भी बोल लो, यहाँ पे देखिए कितनी मिट्टी मिट्टी हो रही है और यहाँ से नीचे के नजर तो दोस्तों ये बन रही है टर्नल। तो ये आई थिंक पता नहीं शॉर्टकट होगा कहीं से ये पहाड़ों। तो यार ये है भाई अपने के नज़ारे क्या ही खूबसूरत है, यहाँ के नज़ारे एक नंबर के जिसे बोलते हैं वो। यार यार हवा कम है तो मज़ा पूरा आ रहा है बाइक भी चलाने में, परफॉर्म कर रही है एक नंबर। तो दोस्तों देख सकते हैं यार कितने ही भयंकर, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सारे के सारे ये टिड्डे हैं। बंसार वाला पेपर ही लेकर आना होगा। और तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंचे हैं पोखरा में और पोखरा में अपना हो चुका है जम के स्वागत और यहाँ पे हो रही है बारिश। तो दोस्तों हमने यहाँ से लिया सिम, ये देख सकते हैं ये पीछे से सिम लिया, सिराज जी का बोर्ड है, बोर्ड है लक्की ऑटो लक्की इंडो नेपाली ट्रैवल एजेंसी। तो यहाँ से लेके यार सिम अब चलते हैं आगे की तरफ। ये यार आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए हो तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, आपका नंबर जो है पीछे दिख रहा होगा। यार आप बेफिक्र होकर इन्हें कॉल करिए और ये आपका नंबर पिक करेंगे। आपको कोई भी ट्रैवल या किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दोस्तों यह है देखे और यह है बंसार ऑफिस। तो यहाँ से हमने बंसार बनवाया नेपाली जो है पर डे 200 रुपये, और जो था नेपाली 200 रुपये था बंसार, और वो जो था 200 रुपये वहाँ का है RTO का भी है 200 रुपये। तो दोनों चीज़ें ही अपने को जो है यहाँ से बन गई है पर डे, मतलब इंडियन 2100 रुपये का अपना टोटल जो है खर्चा आया है वो 450 रुपये पर डे, और जो इसमें 20 GB का नेट मिला है यार। तो यार सही है, कोई दिक्कत नहीं अपने लिए तो बढ़िया है। और यहाँ पे अब आगे की तरफ निकल चुके हैं जो कि अपने को जाना है पोखरा, जो बताया है लोगों ने कि रोड अच्छे हैं आप सीधे निकल जाइए यहाँ से पोखरा की तरफ। तो यहाँ से यार पोखरा निकल रहे हैं अब, तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर यार खाना वाना भी खाना है अभी, तो देखते हैं कहाँ पे पहुँचते हैं कहाँ पे नहीं। आज रोड बता रहे हैं कि ठीक है, इतने बेकार नहीं है, बाकी पहुँच के पता चलेगा यार रोड यहाँ के कैसे हैं। और यार फाइनली हम जो है अब नेपाल में चला रहे हैं अपनी बाइक। तो यार नेपाल में बाइक चलाने का अपना अलग ही मज़ा है यार, जो मज़ा आ रहा है मतलब नेपाल में इतने सिंगल रोड है वो भी बहुत चौड़ा है यार, काफ बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ से देख सकते हैं आगे आ गया है डबल रोड। तो यहाँ से यार डबल रोड से एंटर हो जाते हैं, फिर देखिए नेपाल में देखिए बाइक ये गाड़ी मतलब एक क्रेज़ होता है ना जिसे वो चीज़ है इधर। बाकी तो यार आगे देखेंगे नई नई चीज़ें दिखेगी अपने को, तब पता चलेगा कि नेपाल में कैसी कैसी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये नेपाल का यार ये कितना ही बेहतरीन और कितना ही सुंदर गेट है ये यार, अलग ही मतलब लुकिंग देखिए यार नेपाल में, बहुत ही अमेजिंग गेट है यार, दिल खुश हो गया इस वाले गेट पे आने के बाद देखने के बाद बेहतरीन वाला जिसे बोलते हैं वो चीज़ लगी। जगह जगह देख सकते हैं गौतम बुद्ध जी की लाइन से जो है और जो है स्टैचू लगे हुए हैं। और यार यहाँ के जो रूल्स हैं ना बहुत ज़्यादा स्टिप हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे अपने को फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो हो सकता है अपना मोटर चलान, हाँ सही सुना चलान, इधर बहुत मोटे चलान होते हैं और कुछ नहीं होगा तो गाड़ी भी सीज कर देते हैं। तो उस चीज़ को यार ध्यान रखते हुए बहुत मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, वैसे तो इंडिया में भी करते हैं मगर यहाँ पर भी करेंगे यार। यह है देव का कोटा चौक पे आ गए हैं, तो आई थिंक हमारे को सीधे बताया था तो ये देव का चोट यहाँ से सर्विस लॉन है, तो सर्विस लाइन से यहाँ से अपने को चलते हैं। तो यहाँ से नेपाल में बाइक चलाने का अलग ही मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम, और ट्रैफिक बहुत कम रहने की वजह से यार बाइक बहुत स्मूथली मतलब 80-90 की स्पीड जो है ना बहुत प्यार से चल रही है यार। तो फ्रेंड्स यार सामने अपने हिल्स आ चुके हैं, नेपाल में आने के बाद अपने को एक फील हुआ क्या क्या साला इधर पॉल्यूशन और डस्ट तो है ही नहीं बिल्कुल, मतलब ये कैसे भूल सकते हैं यार, ना डस्ट दिख रही ना कुछ, और बहुत ही बढ़िया जैसे होता है एयर जो है ना बहुत फ्रेश जिसे कहते हैं यार, बिल्कुल एकदम फ्रेश है यहाँ पे यार, बिल्कुल ही फील अलग ही आ रहा है। और यहाँ पे डस्ट वस्ट और ये पॉल्यू और ट्रैफिक तो ना के बराबर ही है यहाँ पे इंडिया में, तो यार हम वहाँ से 125 किलोमीटर में 3-4 घंटे लगे हमारे को आते आते,
बट यहाँ पे यार बहुत ही बढ़िया रोड्स जो दिख रहे हैं अभी तक, आगे का पता नहीं कैसे होंगे, बट जितने रोड अभी तक हम नेपाल में अभी तक सीधे चले तो बढ़िया है यार। और यार सीधे पहाड़ों पे एंट्री करते हैं और निकलते हैं। आई थिंक आगे कुछ बोर्ड दिख रहा है तो इस बोर्ड को भी दिखाते हैं, इस बोर्ड पे क्या लिखा है। और यहाँ पे जितना भी मोस्टली चीजें लिखी हुई है सबकी सब हिंदी में है, एक चीज नोट करी मैंने, तो मोस्टली जो चीजें हैं हिंदी में लिखी हुई है। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये जो स्पीड की लिमिट लिखी हुई है कि जो है बाइक की लिमिट है लेस देन 50 और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की 30 से 50 और कार की है 50 से 70 किलोमीटर। और यहाँ पे अपने को मिल चुकी है पहली रेड लाइट, पहली नहीं दूसरी, पहले वाली पे कैमरा ऑन नहीं था तो ये है। और रूल्स यहाँ के बहुत स्टिफ है तो इसलिए पीछे ही खड़े हो जाओ चुपचाप से। यहाँ से पोखरा रह जाता है 157 किलोमीटर, तो अपने को जाना है राइट हैंड साइड पे। तो ये देख सकते हैं सामने हिल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, ये जो जा रहा है सामने कट है सामने से हिल्स, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि स्टार्ट हो ही गई हिल्स भी। अब अपने को 150 किलोमीटर ऐसे ही बाइक मतलब पूरे के पूरे जो है चलेगी अपनी बाइक इस जगह। 20-25 मिनट में हमने ये बाइक चला लिया लगभग 29-30 किलोमीटर यार। तो फ्रेंड्स यहाँ से अपने को मिल चुके हैं, मतलब पहाड़ स्टार्ट हो गए, सिंगल रोड भी स्टार्ट हो गया, यहाँ से अब अपने को कंटिन्यूस मिलेंगे 150 किलोमीटर पूरे हिल्स के हिल्स। यार ये है मजेदारी पूरी पहाड़ों की। और अपने को फील आएगा यहाँ के पहाड़ जो है ना कुछ कुछ उत्तराखंड जैसे हैं यार, उत्तराखंड और हिमाचल वाले जो पहाड़ हैं थोड़े से अलग हैं, मतलब दोनों में ग्रीनरी तो है मगर यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप के हैं। और लद्दाख साइड के तो आपको पता ही है पूरा का पूरा रेत है और कुछ नहीं है हिल्स। तो ये है यार यहाँ पे देख सकते हैं यार हिल्स पे कितनी अच्छी ग्रीनरी हो रखी है। और ये यार डस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था कि पॉल्यूशन नहीं है, मगर हाँ यार कच्ची रोड होंगी तो डेफिनेटली होने ही वाला है। यहाँ पे अपने को मिलेगा ट्रैफिक, सही सुना ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा यार। तो यार यहाँ से देख सकते हैं साइड में कितनी ही बड़ी जो है रिवर आ रही है, रिवर बोल लो या कुछ भी बोल लो, यहाँ पे देखिए कितनी मिट्टी ही मिट्टी हो रही है। और यहाँ से नीचे के नज़ारे देखेंगे तो यार नीचे देखिए कितनी खाई सी है पूरी की पूरी यार, ये रही पूरी की पूरी खाई। तो यार ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है वो पूरा का पूरा, देख सकते हैं पूरे पहाड़ जो है पूरे काट के बनाए हुए हैं। तो यार ये पूरे कट मतलब पूरे पहाड़ काटे हुए हैं, अब खतरनाक वाले बोलते हैं ना जिस, तो दोस्तों ये बन रही है टर्नल। तो ये आई थिंक पता नहीं शॉर्टकट होगा कहीं से, ये पहाड़ों के अंदर से बीच में क्रॉस हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन स्पीडली चल रहा है और जो है बाइक भी अपनी स्किट कर सकती है थोड़ी सी, मिट्टी वाली जो ऐसे बोलते ना स्किट हो रही है बहुत तगड़ी स्किट। तो यार ये यहाँ पे बहुत तगड़ी स्किट है, बहुत ज़बरदस्त वाले बोलते हैं ना स्किट वो हो रही है, तो इसलिए स्लो स्लो प्यार से चला जाएगा बिल्कुल। तो देख सकते हैं ये देखिए ये भी टर्नल है और एकदम जिसे बोलते हैं ना इस बाइक हो रही है बिल्कुल स्किट, बाइक स्किट एक मिनट नहीं लगेगा यहाँ पे, मतलब बाइक कभी भी स्किट हो जाएगी इतनी खतरनाक। और ये अपने दिन का आज मतलब नेपाल का पहला वाटरफॉल है जिसे जो हमने देखा, ये देख सकते हैं पहली वो। तो ये है सिलेरियो नेपाल की। और रोड की है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, इधर रात पे है तो आने का रिस्क ले भी नहीं सकते बिल्कुल, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा हाल है यहाँ पे, थोड़ा सा ख़राब मिलने वाली होगी आई थिंक, देखते हैं कितना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है 8-10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। तो यार ये है भाई अपने इंडिया से ही लग रहे हैं सारे जो है, आई थिंक बस से उतरे होंगे इसलिए साथ में जा रहे हैं, तो कीचड़ थी ज़्यादा यार, सब लोग बेचारे पैदल जा रहे हैं, पता नहीं किसी ने घूमने आए होंगे क्या हो गया। नहीं मैं आ रहा हूँ चलते हुए यार, बात चल रही है बहुत स्लो स्लो आ रहे हैं, रोड जो है ज़्यादा ही ख़राब है इधर का, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है इधर, हालत है ख़राब थोड़ी सी। नज़ारे क्या ही खूबसूरत है यहाँ के नज़ारे, एक नंबर के जिसे बोलते हैं वो यार। यार हवा भी यहाँ पे हो चुकी है ठंडी, सही सुना यार हवा हो चुकी है यहाँ पे ठंडी,
और जिस वजह से यार अपने को मतलब ठंड तो नहीं लग रही, बट हाँ हवा ठंडी हो चुकी है और ये जैकेट भी पहन रखी है अपने हमने, तो कोई इशू नहीं है लग रहा यार। बढ़िया यार, मजे आ रहे हैं पूरे के पूरे, इंजॉय कर रहे हैं यार रास्ते को, और बाइक कर रही है पूरी अच्छा परफॉर्म। इतने मतलब छोटे मोटे जैसे पहाड़ है, दूसरे तीसरे चौथे गियर में भी यूं ही एक्सीलेट देने के बाद भाई भूती हुई जा रही है। हम वैसे तो चला ही नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा हम पहाड़ों पे गए 40-50 पे चलती है, उससे ज्यादा नहीं यार, मगर बाइक कर रही है एक नंबर परफॉर्म। सकते हैं यह है कोरा भारी, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये जो है एरिया पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो है छोटी सी मार्केट है, तो बढ़िया यार बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे जो है, बढ़िया एकदम बेहतरीन वाला जिसे कहते हैं यार वो वाली फील है। और घर भी एक नंबर बने हुए हैं, यहाँ से पीछे ये दो दो तीन तीन मंजिल डाउन है यार बिल्कुल। तो यहाँ से अपने को जाना है पोखरा सीधे, बेहतरीन वाला व्यू है, एक नंबर का जिसे बोलते हैं ना वो वाला व्यू आ रहा है। 10 किलोमीटर और पोखरा 115 किलोमीटर, यार पीछे तो 110 था, और कम से कम हम वहां से 6-7 किलोमीटर चलने के बाद भी हमारे को जो दिखा रहा है यार, ये तो बहुत ज्यादा दिखा रहा है यार, यही सारी कहानी है। और देख सकते हैं यार वहां से हम लगभग 14 किलोमीटर चल लिए, उसके बाद ये 213 बहुत ज्यादा दिखा रहा है यार। देखते हैं यार पहुंचते कब तक, टाइम तो लगे यार, क्या ही व्यू आता है। साइड में हमने रोके और बाइकों की हालत हो गई है, देखिए कुछ ऐसी पूरी ऑफ रोडिंग चल रही है यहाँ पे। तो यार ये व्यू साइड वाला यार बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, और इवनिंग का और टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 6:30 हो गए हैं आई थिंक, हाँ तो मतलब 6:30 ही हो गए। तो यार बेहतरीन वाला जिसे बोलते हैं ना वो वाला वेदर हो रहा है, ये साइड में नज़ारे देखेंगे यार एक नंबर, और नीचे देखेंगे खेती बाड़ी हो रखी है, और वो बिल्कुल यार मस्त वेदर बोलते हैं ना, पूरे में फॉगी फॉग हो रखा है, जबरदस्त वाला मजा ही आ गया यार देखने के बाद। यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल वो शिमला मनाली और ऐसी फीलिंग आ गई है, उससे भी अमेजिंग है, क्योंकि यार यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, तो मजा पूरा आ रहा है बाइक भी चलाने में, परफॉर्म कर रही है एक नंबर। तो दोस्तों देख सकते हैं यार कितने ही भयंकर, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सारे के सारे ये टिड्डे हैं, वो टिड्डे बोलो कीड़े बोलो कुछ भी, बहुत भयंकर वाले, और विंडशील बिल्कुल नहीं खोल सकते क्योंकि सीधे मुंह के अंदर आ रहे हैं। तो यार ये खतरनाक वाला एडवेंचर आज हमारे साथ होना था, क्योंकि अब हो चुका है 7:30, और यहाँ से पोखरा रह जाता है लगभग 95 से 100 किलोमीटर, यहाँ से 4 घंटे का रास्ता, यार 11 बज जाएंगे आज पहुँचते अगर ऐसे ही रहा तो, और रास्ते में अगर रोड खराब होगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। बंसार वाला पेपर ही लेकर आना होगा, और क्या यहाँ पे RTO कंपलसरी है क्या लेना अलग से, रोड टैक्स वाला जो थे? अच्छा, कुछ नहीं आपसे कुछ नहीं बोला, उससे बात हो रही है। अच्छा यहाँ का ही इंडिया का 9999 आ रहे, आजा तू आजा भाई। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुका है अपना भंसार और रोड टैक्स चेक, और निकलते हैं हम आगे की तरफ पोखरा की तरफ। चलो यार चलते हैं, ये पहुंच गए सयाड कुछ करके है ये, बालेड बाजार है ये रहा मोड़ सालेज बालेड बाजार नेपाल का, ये मतलब काफी टाइम बाद बड़ा सिटी आई है काफी, बहुत बढ़िया यार। दिन में मतलब भीड़ रहती होगी थोड़ा सा इधर, अभी तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल, लग रहा है कि यहाँ पे सब लोग अभी जो है अपना डिनर करके घूमने के लिए निकले हुए हैं सब लोग, बात मिल रहा है। और सामने देख सकते हैं लाइट मिल गई फाइनली, नहीं तो स्ट्रीट लाइट नहीं मिल रही थी, और डबल रोड भी मिल गया इधर। तो यार थोड़ा सा चलाते हैं खींचते हैं कितने ही दूर तक ऐसा। तो फ्रेंड्स अपने को यार रात में मतलब देखिए बारिश मिल रही है, कहीं पे अभी कुछ देर पहले भी ऐसे हुआ था बारिश मिली फिर बिल्कुल सूखा था, इस वाले पहाड़ पे देख सकते हैं यार हो रही है बारिश, और पीछे बिल्कुल अभी मुश्किल से 200 मीटर पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हो रही है बारिश। तो इस पर्टिकुलर मतलब हील पे ही लग रहा है कि बारिश हो रही है, और वैसे नहीं है। और जो है अब यहाँ से देखते हैं यार कितनी दूर तक अपने को किस वाले हील्स तक जो है मिलता है बारिश।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंचे हैं पोखरा में और पोखरा में अपना हो चुका है जम के स्वागत। और यहाँ पे हो रही है बारिश, तो ये नहीं रेडी है और मैं अपनी बाइक भी रेडी है यार यहाँ पे। तो यहाँ से यार बारिश जो है तगड़ी वाली हो रही है और यहाँ से बस होटल के लिए लोकेशन देखने के लिए रुके हैं और फिर आगे निकल रहे हैं सीधे अपने होटल के लिए।